आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हम कौशल जैसे क्षेत्रों में जितना अव्वल होंगे हमें उतनी सफलता मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शहरों में कई कारीगर हैं जो अपने कौशल से अपना जीवन यापन करते हैं। पीएम विश्वकर्मा का फोकस ऐसे समुदाय की तरफ है। सभी स्टेक होल्डर्स और हजारों की तादाद में और पूरा दिन भर बैठे, बहुत ही उत्तम सुझाव निकले हैं। सरकार को भी उपयोग में आए ऐसे सुझाव आए हैं और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि इस बार बजट के वेबिनार में बजट में ये होता वो न होता ये होता ऐसी कोई चर्चा करने के बजाय सभी स्टेक होल्डर्स ने इस बजट को कैसे सर्वाधिक उपकारक बनाया जाए, इसके क्या रास्ते हो सकते हैं, इसकी सटीक चर्चा की है। मुख्यमंत्री योगी मेरठ पहुंचे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ चरण सिंह विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयुर्वेद महासम्मेलन के उद्घाटन में पहुंचे थे। यह कार्यक्रम 11 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति राज्यपाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरठ में आयुर्वेद महासम्मेलन की शुरुआत हो गई है। आयुर्वेद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक लंबी छलांग लगा करके दुनिया के अंदर छाने की स्थिति में है और सचमुच इसका श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। जिन्होंने पहली बार परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को आयुष मंत्रालय के रूप में लेकर के और योग आयुर्वेद होम्योपैथ यूनानी सिद्धा प्राकृतिक चिकित्सा इन सबको लेकर के मंत्रालय का गठन किया। योग को 2016 से 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज पूरी दुनिया मनाने के लिए उत्सुक है। जमीन घोटाले मामले में लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार लालू के परिवार से पूछताछ का दौर जारी है। तेजस्वी यादव से भी पूछताछ होनी थी लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर आज पेश होने से इनकार कर दिया। मालूम हो कि ईडी और सीबीआई लगातार लालू परिवार पर हमलावर है। इसका विरोध करते हुए लालू प्रसाद यादव लगातार ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में। आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधु को वाजपेयी ने ईडी ने 15 घंटे से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? बिहार के लाल यानी लालू प्रसाद यादव के इस ट्वीट से उनकी भावनाएं छलक रही है। नौकरी के बदले लैंड के मामले में लालू परिवार पर इस वक्त आफत की बरसात हो रही है। आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा है, 5 साल बीत गया सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गया तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या कर, कितना साल पहले से रेड हो रहा था तब फिर हो रहा था, उचित कर क्या कर रहे थे, याद कर लीजिए 17 में इसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहाँ के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया
तो हम भी मान लिए उन लोगों की बात, तो फिर उन लोगों के साथ चले गए। आप फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेट सुनो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निजी कार्यक्रम में शिरकत करने गुजरात पहुंचे। इस दौरान देश के अलग अलग राज्यों में ईडी और सीबीआई की हो रही ताबड़तोड़ छापेमारी पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ईडी एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी, आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। बीजेपी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही है। वो कहती है इनकम टैक्स का छापा उन पे ना पड़े तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। तो गुजरात के लोग तो इस बात को जानते हैं, वो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, मैंने एक बार कहा कि ईडी है एग्जामिनेशन डेमोक्रेसी, आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। कम से कम बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हस्त्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज ये छापा मार रहे हैं तो कल बीजेपी के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। जो परंपरा कांग्रेस ने डाली। मनीष सिसोदिया को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, कहीं अहम राज हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं, ऐसा ईडी का कहना है। मालूम हो कि शुक्रवार को उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट से झटका लग चुका है। कोर्ट ने उनको ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दे दिया है। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की 7 दिन की हिरासत के बाद उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रखा गया है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तेलंगाना के सीएम केसीआर राव की। बेटी के कविता पर शराब घोटाले मामले में गाज गिरती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी बीआरएस एमएलसी के कविता पिछले एक साल से सुर्खियों में है। इसकी वजह दिल्ली लीकर स्कैम से जुड़े साउथ ग्रुप से उनके नाम का जुड़ा होना है। सीबीआई द्वारा अगस्त 2022 में दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक एफआईआर दर्ज होने के बाद से वह सुर्खियों में है। जब भी दिल्ली लीकर स्कैम को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां कोई कार्रवाई करती हैं तो के कविता का नाम सुर्खियों में आ ही जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें कि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी को जांच एजेंसियों के खिलाफ आरोप लगाने वाले पत्र पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर भ्रष्टाचार के लिए कोई पुरस्कार हो तो उसे अखिलेश यादव को दिया जाना चाहिए। इसी बयान पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और हर विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार तो इतना पनप गया है, कहीं पर भी जाओ, किसी भी कार्यालय में जाओ, बिना रिश्वत के कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो सकती। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने तो भ्रष्टाचार के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़े। शायद इतनी बेईमान सरकार तो कभी नहीं, इतना चाहे चुनाव हो चाहे कहीं पर भी, हर संस्था भारतीय जनता पार्टी का, हर संस्था में, यहाँ तक कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार फैल गया है, जिससे बहुत उम्मीदें होती हैं। बड़े बड़े अधिकारी तब याद आती है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि भ्रष्टाचार ऊपर से फैलता है। उत्तर प्रदेश में आलू किसानों की दिक्कतों पर समाजवादी पार्टी भाजपा को घेरती नजर आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में आलू किसानों को तमाम समस्याएं हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी ट्वीट करके आलू के समर्थन मूल्य पर सवाल खड़े किए हैं।
सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दो दिवसीय दौरे पर हैं। स्मृति ईरानी करोड़ों रुपए की योजनाओं की अमेठी को स्वागत देगी। इस दौरान वे मुख्यालय गौरीगंज कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों का जायजा भी लेगी। लेकिन उनके इस दौरे पर कांग्रेसी उन पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उनके विरोध में पूरे शहर में पोस्टर लगाकर उनका विरोध कर रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के 16 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस अभी भी मुख्य किरदारों तक नहीं पहुंच पा रही है। पुलिसिया कार्रवाई पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। होली के मौके पर फिल्म अभिनेता राजपाल यादव अपने गांव कुंडरा पहुंचे। इस दौरान वो अपने परिजनों और दोस्तों के साथ होली खेलते नजर आए। अभिनेता राजपाल यादव हर साल होली अपने गांव में ही मनाते हैं। अभिनेता ने पहले परिवार के साथ होली खेली, इसके बाद गांव वालों से मिले। आसपास गांव के लोग भी उनसे मिलने पहुंचे। लखनऊ में इन्फ्लुएंजा वायरस के H3N2 के मामले बढ़ रहे हैं और कई मामलों में लोगों को गंभीर बीमारी हो रही है। बता दें कि इसके लक्षण भी कोविड जैसे हैं। अचानक से लोगों में बढ़ रही है सर्दी, खांसी और बुखार के मामले में लोग परेशान हैं और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसको लेकर डॉक्टरों ने लोगों से बचाव करने और सावधान रहने की अपील भी की है। और बचाव के लिए क्या कार्य किए जाए? नहीं, राजधानी लखनऊ की तो बात हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे चिकित्सालय में अभी ऐसा कोई केस नहीं आया है सीवियर इन्फ्लुएंजा का कि जहां हम ये नए वायरस का इन्फेक्शन सस्पेक्ट करें। फिर भी हमारे चिकित्सक और हमारा अस्पताल तैयार है, जब भी कोई मरीज आएगा हमारे यहां बेड भी हमने सुरक्षित कर रखे हैं, उनके लिए सेपरेट आइसोलेशन भी करेंगे और उनका जांच और इलाज भी करेंगे। बेसिक बात यह है कि इसमें इसके इलाज के तो इन्फ्लुएंजा का जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसी का इलाज होता है। इन्फ्लुएंजा तो थोड़ा सेल्फ लिमिटिंग है अपने आप में। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज में राह चलते लोगों को चैन लूटकर अपना शिकार बनाने वाले शातिर लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शातिर अपराधी क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों की चैन लूटने की घटना को अंजाम देते थे और लूटी गई चैन जेवरात को राह चलते लोगों को सस्ते दामों पर बेच देते थे। बता दें कि पुलिस ने इन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही आरोपियों के पास से 3 चैन, सोने के और रुपये भी बरामद किए गए हैं। गिरोह का पर्दाफाश किया है। चूंकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और महिलाओं की सुरक्षा हमारा प्रथम एवं पुनीत कर्तव्य है, इस दृष्टिगत अभी ये 4 घटनाओं का जो खुलासा हुआ है इसमें एक कमलेश तिवारी एक शातिर अभियुक्त है। करीबन 17-18 मुकदमे इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में। ये 27 तारीख को छूट के आया है और उसके बाद इसने 3-4 घटनाएँ की। हम लोग कंटिन्यू इसको CCTV फुटेज और के माध्यम से इसको खोज रहे थे। फरीदाबाद में डिवाइडिंग रोड पर समर ग्रैंड मैरिज हॉल में अचानक आग लग गई, जिसके चलते यहां पर करोड़ों का नुकसान हो गया। पुलिस विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमों को समर ग्रैंड मैरिज हॉल बुलाया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। मैरिज हॉल में आग किचन के पास से लगना शुरू हुई थी और धीरे धीरे पूरे हॉल के अंदर फैल गई, जिससे आसपास के लोगों को घर से दूर और आसपास के दुकानदारों को भी दुकान से दूर कर वहां से हटाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यहां हम यहां से निकल के जा रहे थे, देखा यहां बिल्कुल कॉर्नर, जो समर ग्रैंड का बिल्कुल कॉर्नर है, जो किचन है, किचन की तरफ एकदम आग लगी। हमने फटाफट इमीडिएटली पुलिस को और फायर ब्रिगेड को कॉल करा। जैसे ही जब तक वो आए तब तक ही आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी, चारों तरफ आग लग गई एकदम ही।
और 7 से 8 गाड़ियां यहां पे आ चुकी हैं अब तक तो फायर ब्रिगेड की, और आग पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन पीछे भी कह रहे हैं कि कंपनी में पीछे की तरफ भी आग की लपटें अभी हैं और अंदर अभी भी आग का जो सिलसिला है वो जारी है, आग अभी भी है अंदर। पर फिर भी जो ये जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो काफ़ी हद तक आग पे काबू पा चुके हैं। यहाँ से किसी व्यक्ति ने डायल 112 पे सूचना दी, तो उस सूचना के आधार पे हमें भी सूचना मिली, हम यहाँ पे आए हैं, देखे हैं, हमने आसपास जितनी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी वो बुलवा दी हैं और अभी लगभग 80% हमने कंट्रोल करवा दिया है इनके ज़रिए। अभी तक कोई जान और माल, मतलब माल की नुकसान के बारे में कुछ पता नहीं चला है। कानपुर में समाधान दिवस पर एक युवती अपने परिवार वालों की शिकायत लेकर थाना अध्यक्ष के पास पहुंची। बता दें कि झारखंड का एक युवक और बिहार की एक युवती 1 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिजन इस रिश्ते से खुश नहीं थे और शादी से इनकार कर रहे थे, जिस वजह से दोनों काफी परेशान थे। इसी परेशानी के समाधान के लिए युवती समाधान दिवस पर थाना अध्यक्ष के पास पहुंची, जहां उसने अपने परिवार वालों की शिकायत की, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने दोनों परिवार को समझा बुझाकर थाने में आचार्य बुलाकर उनकी शादी करा दी। बता दें कि चौबेपुर थाना परिसर में बने मंदिर में दोनों की शादी कराई गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो